तुमसे मांगल पा हम क्या करें भाई ये गम का जीवन हुआ प्यार हम क्या करें हां आप ही बोलता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। देखिए फाइनली यहाँ पे पहुंच गए हैं अलखोर जू पार्क। ये अभी इंट्रांस ही में है, ये शुरू का है जो मतलब डेकोरेशन किया हुआ है। ये हमारी टीम है, इधर सब आराम कर रहे हैं। ये है इधर, ये सामने गेट है एंट्रेंस। यहाँ पे आने के लिए आपको लाजिम टिकट चाहिए। टिकट अगर बुक करके आएंगे तो आपके लिए आसानी होगा, नहीं तो फिर यहाँ टिकट बनवाना पड़ेगा, तो लाइन लगना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मतलब बाहर में लाइन लगे हुए हैं टिकट जो कटा के नहीं आए हैं, जो मतलब ऑनलाइन से टिकट बुक करके नहीं आए हैं। यह है एंट्रेंस और यह है इसे घूम के एंट्रेंस में आप आके यहाँ पे बैठ के कुछ आराम कर सकते हैं। फिर ऐसे घूमेंगे, ऐसे 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 जाएंगे अंदर अंदर, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से फिर रिटर्न होना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को जो मतलब यहाँ से एंट्रेंस करना होगा, यहाँ से ये जो सामने दिख रहा है यहाँ से एंट्री होगा, यहाँ से एंट्री करेंगे, फिर वैसे घूमते घूमते काफी लंबा है टाइम लगेगा। फिर मैं आगे जो होता है मैं वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये हमारी टीम जा रही है आगे आगे। आगे जो वो पिंजरा दिख रहा है उसमें शायद शेर है, हम लोग आए थे कुछ दिन पहले। अभी चल के दिखाते हैं उस शेर का भी वीडियो। ये थोड़ा अंदर है, हम लोग अंदर से कुछ ऐसा ब्यूटीफुल लुक आ रहा है परिंदे। दो परिंदे आराम फरमा रहे हैं। फैमिलीज और बैचलर यहाँ पे कोई भी आ सकता है जुमा के दिन, क्योंकि हम लोग तो बैचलर ही थे। कोई जो मतलब रोक नहीं है, आप आ सकते हैं यहाँ, कोई मुश्किल नहीं है। शर्त यह है कि मतलब आने से पहले आप टिकट अगर बुक कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगा, वहाँ पे बाहर में आपको लाइन नहीं लगना पड़ेगा, बआसानी यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। और अगर आपके पास टिकट नहीं है तो वहाँ पे बाहर में जो मतलब टिकट आपको लेना पड़ेगा। अभी अभी ये है एक शेर, देखिए वो एक वहां पे। यहाँ पे टोटल पांच हैं, एक वहां पे बैठा हुआ है, दो यहाँ आराम कर रहे हैं और दो उधर हैं। यह है दूसरा पार्टीशन, यहाँ पर भी जो मतलब एक शेर है दूसरे किस्म का। देखिए इधर है बब्बर शेर। बहुत ही बड़ा है, मेरे ख्याल से जो जंगल होता है ना उससे काफी। देखिए इसका साउंड देखिए कैसे। और ये है तीसरा पार्टीशन, इसमें भी जो मतलब एक साहब हैं इधर घूम रहे हैं। देखिए बहुत ही काफी लंबा चौड़ा मोटा ताजा
आया पिया लगता है। देखिए बहुत ही जो मतलब बहुत बड़ा है, जंगल में शायद ऐसे रहते होंगे, जंगल में तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं पाया जाता होगा इतने बड़े बड़े। यहाँ पे दो लोग हैं, एक ये सो रहा है, और उधर एक साहब जो मतलब पानी पीने गए हैं। और ये है चौथा पार्टीशन, इसमें छोटे वाले प्रजाति हैं जो मतलब बहुत काफी चुस्त फुर्त। एक इधर चल रहा है और एक इधर जो मतलब सो रहा है। इस बॉक्स में, इस पार्टीशन में तीन लोग हैं, एक उधर सो रहा है और एक इधर चल रहा है। और ये है, आप देखिए ये पढ़ लीजिए इसमें कौन सा है। ये है और एक इधर बैठा हुआ है, देखिए, और एक वो चल रहा है, टहल रहा है। यह है तीसरा पार्टीशन बंदरों का, यहाँ पे बंदर लोग हैं। ये देखिए भीलो खोज रहा है, देख लीजिए, नहीं दिखता होगा, मेरा मोबाइल थोड़ा खराब है। अंदर बॉक्स के अंदर बहुत सारे लोग हैं, रेस्ट है और ये सब। यहाँ देखिए कितने लोग जो मतलब फैमिलीज के साथ और बैचलर भी जो मतलब यहाँ आए हुए हैं टहलने के लिए। देखिए और ये है पांचवा पार्टीशन, यहाँ पे देखिए ये साहब रहते हैं इसमें। वो देखिए नहा रहा है, गुस्ल कर रहा है, गर्मी की वजह से गर्मी लग रहा है उसको। ये कुधर है, देखिए इनको चिढ़ाइए ना तो ये लोग भी चिढ़ाते हैं। देखिए देखिए वो मुंह कैसे बना रहा है, देखिए। ये देखिए चक्का चला रहा है, चक्का चला रहा है, हो गया पूरा गुस्सा गया है। ये देखिए पूरा गुस्सा है। देखिए चल रहा है, ये एक और पार्टीशन है बंदरों का जो मतलब दूसरे किस्म के बंदर हैं। आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए और कितने छोटे छोटे बंदर हैं। देखिए देखिए ये
बहुत ही छोटा बच्चा है, मेरे ख्याल से 2-4 दिन का होगा। और ये एक दूसरे किस्म के बंदर हैं, ये देखिए। ये जो हम मतलब यहाँ से दूसरा पार्टीशन किया हुआ है, इसमें दूसरे बंदर रहते हैं ये किस्म के, देखिए आप ये वाले रहते हैं। और ये वाला पार्टीशन जो है इसमें दूसरे बंदे रहते हैं ये किस्म के, देखिए छोटे छोटे ये किस्म के हैं, बहुत प्यारे बहुत सुंदर है देखिए, माशाल्लाह बहुत खूबसूरती देखो, बहुत सारे बंदर हैं लेकिन गर्मी की वजह से सब जो है मतलब कोई ऊपर है कोई नीचे है, देखिए उधर जाके बैठे हुए हैं। और ये दूसरा पार्टीशन है जिसमें जो है मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं सियार बोलते हैं हम लोग, वहां पे देखिए वहां पे बैठा हुआ है। जिसको बोलते हैं जयकाल हिंदी में इंग्लिश में, वहां पे बहुत दूर बैठे हुए हैं। देखिए वो साइड में शेर हैं, चीता है और बाघ, मतलब वही है टाइगर शेर जो मतलब 8-10 लोग हैं टोटल मिला के। और यहाँ पे बंदर हैं और यहाँ पे जो मतलब क्या बोलते हैं बंदर ही की तरह जो बड़े वाले लोग रहते हैं वो हैं। यहाँ पर भी बंदर हैं जो आपको पहले दिखा चुका हूँ, इसमें भी बंदर हैं, देखिए आप वहाँ पे देखते होंगे जो मतलब बंदर हैं। और ये साइड में जो है इस साइड में जो आप देख रहे हैं छोटा सा पेड़, इसमें जो है मतलब जयकाल हैं, जयकाल जिसमें हम लोग अपने जुबान में सियार बोलते हैं। हम लोग वहां से निकल के दूसरे साइड में आ चुके हैं, देखिए कितना ही जो मतलब बहुत ही खूबसूरत जो मतलब बनाया गया है, बहुत ही मतलब यहाँ पे आने के बाद ऐसा ही फील होता है जैसे जो मतलब कोई अपने मुल्क का हो, इंडिया में बाहर यानी जहाँ पे जो हरियाली वाला मुल्क है ना, तो ऐसा फीलिंग आता है यहाँ पे आने के बाद। इतना जो मतलब खूबसूरत जो मतलब बना दिया है, गार्डनिंग कर दिया है, अब एक गार्डन ही समझिए इसको, ये फैमिली पार्क है लेकिन इसमें कोई भी आ सकता है घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो मतलब आप देख ही सकते हैं कि देखने में कितना अच्छा लग रहा है। देखिए चारों तरफ का ऐसा लुक है।